दो तरीके और हैं, एक होता है स्किल्ड वर्क वीजा, एक्स्ट्रा काम करने के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं मेरे को। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वंडर्स यूट्यूब चैनल। आज हम पहुंच गए हैं बर्गन, वेस्ट नॉर्वे, और यहाँ पे हमारे साथ हैं उज्जवल भाई। क्या हाल है भाई लोगों? हमारा जो आज का प्लान है वो ये है कि बर्गन घूमेंगे। बर्गन एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्लस बात करेंगे कि नॉर्वे में आपको मूव होना है, जैसे भाई के पास जॉब है यहाँ पे, तो मतलब इंडिया से मूव हुआ है दिल्ली से ही, तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे मूव होना है, सैलरी कितनी होती है, खर्चा कितना होता है, पैसे बचते कितने, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। तो भाई यहाँ पे आने वाली है बस, तो बस का क्या सीन है भाई, टिकट का? भाई बस की टिकट होती है 40 किलोमीटर की, 1.5 घंटा वैलिड रहती है वो। 40 किलोमीटर कितने हो गए इनटू 8? 320 रुपए। और ये जैसे स्वीडन में ऐप पे हो जाती है, यहाँ पे भी ऐप आती है। हाँ, आप अपनी ऐप पे डालो और चलता रहेगा। तो मैंने तो करी नहीं ऐप। तीन ऑप्शन है उसके, या तो अपने SMS से खरीद सकते हो आप, हाँ, या ऑन बोर्ड खरीद सकते हो, या अपनी ऐप से खरीद सकते हो। ऐप से खरीदना सबसे बेस्ट है। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, 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 हाँ। तो अभी हम पहुंच गए बर्गन के सेंटर एरिया में। बारिश के बावजूद भी काफी जनता है, घूम रही है। तो बर्गन एक्चुअली नॉर्वे का दूसरा सबसे बड़ा शहर है आफ्टर ऑस्लो। सुंदर तो है काफी। तो यहाँ पे यार वो क्या है, ब्रिगन क्या? वो उस तरफ है। क्या चीज वो? वो एक तरह से ब्रिग्या बोलते हैं, हर किसी आपको मतलब स्कैंडिनेवियन शहर में मिल जाएगा, जहाँ पानी होता है ना पोर्ट, तो वहाँ पे लोग जहाज खड़े करते थे और आस पास ऐसे घर बने होते थे, दुकानें टाइप के, तो घर बन गए हैं वो, ट्रेडिंग के लिए होता था, तो उसको ब्रिग्या बोलते हैं। तो यहाँ बड़ा फेमस है ब्रिग्यन, वो पता नहीं 200 साल कुछ पुराना है। बाकी सब हर शहर साइट है, नॉर्वे के हर शहर में आपको मिलेगा ब्रिग्या एक। ओके ओके ओके, तो वो भी दिखाएंगे। बाकी बात करेंगे भाई के डोले शोले के बारे में भी, और मतलब जॉब क्या है भाई की, और क्या सब कुछ देखते रहिए वीडियो को। यार यहाँ पे तो काफी रंग बिरंगा लग रहा है मेरे को। ऑस्लो में रुका था थोड़ी देर में स्टेशन पे, तो काफी ऐसे ग्लूमी सा था, ये काफी कलरफुल सा लग रहा है शहर। देखते हैं बाकी आगे भी ऐसा ही है या यहीं पे ही दिख रहा है। ये क्या बिल्डिंग है भाई इधर? ये भाई म्यूजियम है ये। तो ये मतलब सेंट्रल एरिया ही है सारा? ये सारा मतलब काफी बड़ा सेंटर है इसका। हाँ, तो ओके ओके, रेस्टोरेंट वगैरह, कैफे, ये देखो फुल जगह बताता है, सारे अभी लगाए गए हैं, ये अपने आप नहीं उगे हैं। अच्छा, करते हैं सिर्फ समर के लिए, ताकि लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, यहाँ सेंटर में आए वो लोग टाइम स्पेंड करें अपना। अच्छा, मतलब यहाँ पे उगे नहीं है, लगाए हैं बस। अरे ले, बारिश शुरू होगी फिर से। यार बेचारे लोगों की लाइफ बड़ी खराब है यार यहाँ पे, मतलब एक तो ठंड पड़ती रहेगी इतने महीने, अब जब समर भी है तो भी बारिश है, खराब लाइफ नहीं यहाँ पे काफी? मतलब यहाँ आइलैंड तो नहीं है खैर, लेकिन सेम यूके लंदन में भी यही हाल, हाँ, यही हाल है। इंग्लिश समर जो बोलते हैं, जैकेट हमेशा उनके पास होते हैं, कब बारिश हो जाए कब पता नहीं कुछ, लेकिन इनको फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि विंटर तो बिल्कुल ही मतलब लगा लो इनके लिए नर्क है, वो कि भाई मर ही जाएंगे ऐसा लगता है इनको। इनके लिए फिर भी ठीक है, इनके लिए अच्छा वेदर है कि चलो ठीक है, बर्फ तो नहीं पड़ी, ठंड तो नहीं हो रही, बारिश में तो प्रिपेयर्ड है वो। और तभी अभी जब मैं था ना वहाँ पे था अपना तेनरीफे में, तो जितने भी लोग आ रहे हैं यूरोपियन भागवाद के धूप के लिए, क्या है धूप ही तो है, लेकिन यहाँ पे रोके तो दिखेगा आपको कि भाई धूप कितनी जरूरी है। तो बस ये सामने आ ही गया ब्रिगन, ब्रिगन ब्रिगन, फिर कहीं बैठेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। बाकी घर भी, मैं भाई घर पे रुका हूँ तो आपको घर भी दिखाऊंगा, बिजली का बिल कितना आता है, पानी का बिल कितना, सब कुछ बताऊंगा, सब बताएंगे भाई, जुड़े रहो वीडियो देखने, पूरी देखनी है। यूट्यूबर हो रहे हैं बिल्कुल प्रोफेशनल। अच्छा भाई एक बात कर लेते हैं अभी, करते क्या हो तुम यहाँ पे? भाई मैं कैबिन क्रू हूँ नॉर्वेजियन एयरलाइंस के अंदर। काफी लोगों को ना पता होता है कैबिन क्रू क्या होता है। कैबिन क्रू लगा लो यार, फ्लाइट अटेंडेंट लगा लो। हाँ, जो फ्लाइट में, अब मैं बोलूं तो भाई तुम वेटर लगा लो, ठीक है, लेकिन वेटर होती नहीं है। नहीं जैसे बोलते हैं कि ये काम है, नहीं जैसे बोलते ना कि ये भाई एयर होस्टेस है, बंदा एयर होस्टेस, एयर होस्ट है ये, एयर होस्ट कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हां वही तो ये वर्ड नहीं है। अटेंडेंट लगा लो यार, कैबिन क्रू। हां तो कैबिन क्रू लेटेस्ट है। तो कौन सी एयरलाइंस में? मैं नॉर्वेजियन एयरलाइंस के अंदर हूं, यहां की बहुत सबसे बड़ी एयरलाइंस है पूरे स्कैंडिनेविया की। ओके, नेशनल फ्लैग कैरियर तो नहीं है वो, प्राइवेट एयरलाइंस है। तो नौकरी कैसे, यहां पे आके मिली या इंडिया से मिल रही थी? अच्छा, यहां पे कैसे आए थे? इंडियन हूं। लेकिन इंडिया से कैसे वो अभी बाद में बताएंगे, पहले ब्रिगन ब्रिगन देख लें, सामने आ ही गया। तो ये आ गया भाई ब्रिगन, मतलब ब्रिगे ब्रिगे बोलते हैं जो भी बोलते हैं इनको। तो इसका मतलब वही होता है यार, समुन्द्र के किनारे पे कुछ दुकानें वकानें खोल दी है ना, होटल खोल दिए,
तो ब्रिग एक जेनरिक टर्म है, बाकी मरीना बहता वैसे बोल लो। तो ये देखिए जो घर है वो सामने रंग बिरंगे से वो वाले, तो वैसे कोपेनहागन में भी देखे थे हमने, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग फंडा है तो उसको कुछ और बोलते हैं, नी हाउ ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। तो ये काफी पुराने घर हैं यार ये। अरे इसका मतलब क्या है, 1480 घर बनाई है? 1480 बना होगा, फिर 1712 में रिपेयर हुआ है, फिर 1912 में रिपेयर हुआ है। अच्छा, ये ऐसे लिखते हैं जो रिस्टोरेशन जो 1910 लिखा है। ओके ओके, अपने भी लिखते थे, अपने भी था, मेरे घर पे भी बार लिखा हुआ था कितने साल इसमें सन में बना था। अच्छा चलो, रुकती है बस यहाँ पे, ऐसे ही है, रुक गई भाई पैसेंजर फ्रोज यहाँ पे, मतलब जो आपका ये। अच्छा हाँ, ज़ेबरा क्रॉसिंग है। हाँ ठीक है, तो ये देखिए यार यहाँ लिखा हुआ है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वेलकम टू द वर्ल्ड हेरिटेज ब्रिगेन। तो ये कुछ कुछ रिपेयर चल रही है, देखिए उस पर उन्होंने, देखिए जब रिपेयर भी कर रहे हैं ना तो जो उसके ऊपर डाला कपड़ा वो भी सेम रंग का डाला है, उसी डिज़ाइन का, ताकि वो अटपटा ना लगे, मतलब दिख रहा है कि वो रिपेयर चल रही है लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि अटपटा ना लगे। तो रिपेयर चल रही, थोड़े बहुत काफ़ी पुराने हैं तो रिपेयर करनी पड़ेगी। चलो भाई किंजा के बैठते हैं आराम से, बताते हैं फिर हाँ। कैसे क्या है, कैसे क्या प्रोसीजर है, आप लोग कैसे आना है आपको, आने का तो कैसे आ सकते हो? मन तो सबका है। ये देखो अंदर, ये मेरा फोन टेढ़ा नहीं है, सीडी टेढ़ी है, मतलब कैसे दिखाऊं इसको, दिख नहीं रहा कैमरे में, चढ़ के दिखाता हूं इससे। हां नहीं लग रहा, इसमें टेढ़ी लगनी थी। यार बाकी हमने ना ऐसे बहुत सारे पुरानी बिल्डिंगें घर वर बहुत देखे हैं, बहुत देशों में देखे हैं, यूरोप में, लेकिन यहाँ पे ये नीचे जो सड़क है गली है वो भी लकड़ी की है, तो इतनी लकड़ी क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है और रिहाइश इतनी है नहीं, तो लकड़ी की भरमार है। बाकी बताया भाई ने मेरे को, यहाँ के यहाँ घरों में चूहे बहुत होते हैं, जो है सब पुराने पुराने घर हैं और सब में चूहे। हाँ चूहों की बहुत प्रॉब्लम है। हाँ क्योंकि जितने भी पोर्ट सिटीज है ना वहाँ चूहे लाए जाते, वहाँ बिल्लियाँ लाई जाती थी जान के लिए चूहों को मारने के लिए, बिल्लियाँ इतनी है नहीं, चूहे लाएंगे। तो यार अभी बात करते हैं फिर, कैसे आए भाई यहाँ पे बताओ? भाई मेरी गर्लफ्रेंड के थ्रू आया था मैं, तो हम 3-4 साल से साथ थे। पक्की कुड़ी लब्बी सी? हाँ वो यहीं की पैदा हुई थी और अच्छा मतलब आने के लिए तो नहीं लबी थी, 3-4 साल रिलेशन में थे। हाँ भाई थोड़ी आने के लिए तो नहीं, खैर मैंने पकड़ी थी वो 3-4 साल रिलेशन में थे, काफी घूमा उसके साथ में, जो मेरे को यूट्यूब पे देखते हुए देखा भी होगा उसको, तो काफी घूमा था उसके साथ में। फिर आखिरी में ऐसा टाइम आ गया था कि डिसाइड करना था कि कौन मूव करेगा, हालांकि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी इंडिया के अंदर, बैंक में अच्छा भला काम था मेरा, तो फिर मैं बोला चल ठीक है यार कुछ करते हैं। तो पहले मैं आया था यहाँ पर 5 महीने मैं यहाँ रुका अपनी, मैं बैंक से छुट्टी लेके आया था, मतलब रिजाइन नहीं करके आया था। फिर यहाँ ना लगा मेरे को कि बिल्कुल एक रियलिटी शॉक नहीं मिलता है, तो मेरे को तो यूएस जैसा होगा कि सब इंग्लिश बोल रहे होंगे, जॉब्स इजीली मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ना कोई इंग्लिश बोल रहा था क्योंकि मैं ये शहर इतना बड़ा है नहीं, ना इंग्लिश बोल रहा था, ना कोई, और जॉब मिलने के लिए भी हर कोई सीवी और मतलब नॉर्वेजियन लैंग्वेज में मांग रहा था कि अगर आपने सीवी नॉर्वेजियन लैंग्वेज में, सीवी अगर आपने नॉर्वेजियन लैंग्वेज में दिया है तो आपको कॉल आएंगी, नहीं तो बोलते थे नहीं यार आप ओवर क्वालिफाइड हो इस जॉब के लिए। तो मैं थोड़ा फिर वो हो गया था, मैं सैड सा हो गया था, मैं वापस चला गया फिर, यार नहीं बनेगी बात यहाँ पे। फिर सेकंड वेव आ गई थी, फिर दोबारा आया यहाँ पर, लैंग्वेज सीखी 3 महीने के अंदर मैंने, फिर एक सिक्योरिटी का कोर्स किया मैंने, वहाँ भी बात नहीं बनी। फिर उस टाइम पे एविएशन दोबारा बूम कर रहा था क्योंकि कोविड खत्म हो गया था, तो नॉर्वेजियन एयरलाइंस को चाहिए थे कैबिन क्रू, वहाँ मैंने अपनी अप्लाई किया और मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस था मेरा, मैं एयर इंडिया में फ्लाई करता था पहले 2015 में। अच्छा, तो वहाँ मेरा हो गया था और जब से अब तक 1.5 साल हो गया मैं वहीं पर अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब ये जो आपने बोला कि बंदी थी, तो फिर क्या होता है, डिपेंडेंट वीजा होता है? डिपेंडेंट वीजा नहीं होता, स्पाउस वीजा, जैसे कोहैबिटेंट वीजा बोलते हैं कि आप यहाँ आओगे, पहले आपको डी वीजा मिल जाएगा कि हाँ आपको यहाँ आने की परमिशन मिल गई है, 6 महीने आप रह सकते हो, 6 महीने में फिर आपको कोहैबिटेंस अपनी प्रूव करनी पड़ती है कि हाँ भाई मैं साथ रह रहा हूँ। तो नॉर्वे के अंदर ये सीन है कि वो बोलते हैं साम्बुअर्स का कि लिव इन बोल लो आप, तो यहाँ पे लिव इन भी रजिस्टर होते हैं जाके कि हाँ भाई साथ रह रहे हैं, सब मतलब सब कुछ गवर्नमेंट रजिस्टर है, आप अपना लोन ले सकते हो, घर खरीद सकते हो, फिर अगर आप सेपरेट भी होते हो ना तो आपका हाफ हाफ बट जाएगा वो। फिर वो वाला नहीं होगा कि आपको किताब पे हिसाब ही लिखना, कहते मैंने 5,000 रुपए इसके दिए थे तो मेरे वापस दे, सब आपका लीगल प्रोसेस से होगा फिर वो। तो वो तरीका एक तो आने का, और दो तरीके और हैं, एक होता है स्किल्ड वर्क वीजा, उसमें आपके मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपको जॉब पहले यहाँ पे पकड़नी है। अच्छा, तो मैक्सिमम 2 लोग आते हैं, इंजीनियर आते हैं आईटी फील्ड के और इंजीनियर आते हैं ऑयल एंड गैस फील्ड के। ओके, उसके अलावा तीसरा मेरे को आज तक कोई दिखा नहीं है कि आया बंदा कोई आया हो। अच्छा, और दूसरा था जॉब सीकर वीजा, उसमें भी लेकिन आखिरी में आके बात वहीं फंसती है, आप उस जॉब सीकर वीजा पे आ तो जाओगे, आपको लेकिन जॉब स्किल्ड ही लेनी पड़ेगी, आपकी मैकडी वैकडी में कहीं जॉब लग गई तो आपको वीजा एक्सटेंड नहीं होगा।
ओके तो मतलब स्किल्ड क्या क्या आती है? स्किल्ड जॉब ये आती है, कोई भी आपकी जो आपकी एजुकेशन है ना हाँ। उसी फील्ड की आपको जॉब चाहिए अच्छा। तो स्किल्ड कहलाएगी वो। अगर मान लो सपोज कर मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है हाँ। और मैं इंजीनियर की नौकरी भी कर रहा हूँ अगर मैं, तो वो स्किल्ड में नहीं है क्योंकि मेरे स्टडीज से मैच नहीं कर रही वो चीज। तो ये चीजें तो होगी हमारी, अभी चीजें और भी बड़ी हैं बहुत सारी। भाई के घर में जाएंगे तो घर कितने का मिलता है, कितना महंगा है, काफी महंगा घर है यहाँ पे। और खाना वगैरह खाना पीना कैसे है, लैंग्वेज का कितना दिक्कत आती है, भाई ने लैंग्वेज कैसे सीखी, कितनी आसान है, तो ये सब भी बातें करेंगे। देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो यार भाई को मिल गई नौकरी यहाँ पे आने के बाद। अब नौकरी मिल गई तो यार सैलरी कितनी है वो बता दो। सैलरी मेरी यार पूरी साल की पड़ती है आधा मिलियन यानी 5 लाख करोड़। अच्छा तो और रुपए कितने हो गए? रुपए हो गए 40 लाख, कुछ 40-42 लाख। 40 लाख लेकिन ये टैक्स कटने से पहले है। टैक्स कितना कटता है? टैक्स मेरा तो फिलहाल अभी 35% कट रहा है क्योंकि मैंने अभी नई नई नौकरी पे साल डेढ़ साल ही हुआ मेरे को करते हैं। मेरी स्लैब छोटी होगी, स्लैब छोटा है मेरा, ये नहीं कि मेरे बच्चे बच्चे नहीं है, लोगों की सैलरी से भी ज्यादा होती है और मेरे बच्चे बच्चे कुछ नहीं है। तो अगर और 3-4 साल मैं करूंगा काम तो शायद मैं 42-40 तक पहुंच जाऊंगा टैक्स के स्लैब में। तो भाई ये हो, और प्लस हमने बात करी थी कि यहाँ पे मिनिमम वेज जो है वो 25 यूरो है घंटे का, कुछ भी काम आप 200 करोड़ लगा लो। हाँ 20 यूरो तो कहीं भी काम करते हो आप तो 20 यूरो तो है ही मिनिमम। आप मैकडी पे करोगे, रेस्टोरेंट में आप खाना बना रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो 20 यूरो घंटे का मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप अभी खुश हो गए हैं कि भाई 40 लाख मिलेंगे तो थोड़ा रुक जाइए, बताइए खर्चे कितने होंगे। फिर आप बोलोगे कि परचेस पावर पैरिटी भी लगाएंगे कि भाई यहाँ की करेंसी और नई करेंसी के साथ कितनी परचेस पावर पैरिटी है, आखिरी में खर्चा निचोड़ने के बाद जेब में क्या बचता क्या है, वो ही मैटर करता है। तो देखते रहिए वीडियो को। तो ये यहाँ पे गंडोला एक लेके जाते हैं ऊपर, हम तो नहीं जा रहे। कितने की टिकट है इसकी वैसे, जस्ट फॉर क्या इसकी टिकट है? लिखा ही हुआ है वहाँ पे 160 की है वन वे। हाँ 85 ठीक है, 1000 रुपये की होगी, ठीक है, इतनी महंगी नहीं है। ये बस का पास अगर आप लोगे 24 आवर्स का तो उसमें इंक्लूड नहीं है। नहीं है ये, अच्छा ऐसे ना कुछ शहरों में था, जैसे कोलंबिया में था ऐसे और पेरू में भी था कि जो ये जितने भी गंडोले वंडोले थे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही थे। तो अगर पास पास है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला तो आपके सारे गंडोले वंडोले सब फ्री हैं, यहाँ पे नहीं है, ये फ्री नहीं है, ये अलग है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अलग है। और आप चले जाओ कहीं पे भी दुनिया में आपको कृष्णा तो मिल ही जाएगा हर जगह पे। तो ये हरे कृष्णा का सेंटर है, टाइमिंग लिखी हुई है कुछ कुछ। तो भाई मुझे ये ध्यान आ गया हेयर कटिंग ना, हेयर कटिंग 350 × 8 2500 रुपये, 2500 रुपये की हेयर कटिंग। भाई तू तो खुद काटता होगा? नहीं भाई मैं अभी इंडिया से कटवा गया था, कि मैं दोस्त है एक तो थोड़े बहुत से ट्रिम करा लेता हूँ, तो आप 3 महीने में वो कटवाने ही पड़ते हैं यहाँ। ठीक है, मतलब वैसे भी यूरोप में हर जगह पे 15 यूरो तो ले ही लेते हैं, 15, तो यहाँ 25 ले रहे हैं। 35 हाँ वही 25-30 के आसपास जैसा भी कराना। कुछ तो इंडिया इंडिया लिखा है, ये सब सामान ही इंडिया का है। देखें कितने का बेच रहे हैं इसको। दुम दुम दुम। भाई 400 करोड़ का बेच रहे हैं ये पजामा। कितने का दे रहे हैं? पजामा 400 करोड़ का, 2500 रुपये का। पीछे हमने देख लिया वो पजामे जो वहाँ बिकते हैं 200 रुपये के, यहाँ 200 करोड़ के बिक रहे हैं, 8 गुना 10 गुना 10 गुना। और यहाँ पे रहा ताजमहल तंदूरी रेस्टोरेंट। भाई ये जाएंगे अंग्रेज इंडियन खाना खाएंगे, बहुत फेमस है इंडियन खाना, मतलब नॉर्वेजियंस को बहुत पसंद है भाई। तो बस ठीक है फिर यहाँ पे आ जाओ और अपना ठेला खोल लो, समोसा चाट चाट पापड़ी। सरिता नाम की औरत है, सरिता यहीं की है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है यहाँ पे। वो सारे वो देती है हल्दीराम की तरह प्री पैक करीज, नहीं आती फेमस हो रखी है यहीं पे, यहीं की है वो, पंजाब से कहाँ से आई थी, यहाँ से बनाना शुरू किया किटी पार्टी वगैरह के अंदर। तो लोग बोले तो क्या बनाती है, उसको थोड़ा पुश किया, आज भाई साहब ने सरिताज करके और कविता की कविता भी है शायद एक। यार तूने लंच तूने सही बनाया था कल, तू भी शुरू कर ले अपन फिर। देखो हमारे पास बॉटल तो है नहीं, तो हमें ओक लगा के पी रहे हैं। ये भी अपने हमारी स्पेशलिटी है इंडियंस की, हम पी सकते हैं, गोरे नहीं पी सकते ऐसे ना, उनसे आकर के पिया जाता ऊपर से। यार आपने पुरानी वीडियो में भी देखा होगा, मैंने दिखाया था आपको, वो चैनी खैनी खाते हैं यहाँ पे लोग बहुत सारे, ये पड़ी है। तो
भाई बताना क्या कहानी थी चैनी खैनी वाली कि यहाँ पे तम्बाकू बैन कर दिया था ना, यहाँ स्मोकिंग बैन हो गई थी इंडोर्स में, तो पहले जितने भी हुक्का पार्लर लाउंज वगैरह थे ना सब बंद हो गए थे वो, तो यहाँ पे हर रेस्टोरेंट में आपको दिखेगा बाहर एक हल्का सा एक एरिया बना रखा होता है, ठंड इतनी बढ़ती है अब कौन उठ के जाएगा कौन स्मोकिंग करेगा, तो उसमें भी निकोटीन होता है सिगरेट उसमें भी, तो लोगों ने ना ये शुरू कर दिए यहाँ पे खाने लगाने, तो बहुत महंगे आते हैं अपनी चैनी खैनी 10 रुपए की अपनी, इंडिया में उल्टा जिसको खाएगा कहेंगे तो रिक्शा चलाता है क्या करता है, यहाँ उल्टा है जो अमीर है वो खा लेगा वो इसको अफोर्ड कर पाएगा, मैं बोलता हूँ इनको मैं तो क्या तुम मतलब इंडिया में मत खा लेना मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे अभी जो यंग लोग हैं यंग जनरेशन है, मेरे को बना था पोलैंड का बंदा था वो मिला था मेरे को ट्रेन में, वो भी खा रहा था भाई ये, तो ये यहाँ की जो जो 90% यूथ लगा लो 90% लड़के सोचो मतलब ऐसे कोई आप नॉर्वे में आए हो आपको क्लब में लड़की मिली नॉर्वे से, आप कर रहे हो आप किस कर रहे हो उसकी बीच में लगा आपके दोस्त के दांतों के आगे वो निकल गया, हाँ मजाक नहीं कर रहा रियल में होता है, वैसे हंसते भी है ना तो कहीं तो व्हाइट आते हैं तो दिखते ही नहीं है, कि ब्राउन वाले स्ट्रांग वाले जो होते हैं ना जो हंसते हैं तो दांत बड़ा नेक भाई बहुत गंदा लगता है मेरे को, तो नफरत हो जाती है देख के और उनको यार 90% लोग करते हैं, अरे 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 अरे, तो अगर आप चैनी खैनी लवर है तो जन्नत है आपके लिए जन्नत, ये भी धंधा कर सकते हो आपको एक धंधा में दिखाया पजामो वाला ये भी धंधा कर सकते हो, जब भी इंडिया से आओगे ना बैग भर के ले आओ सिगरेट और ये सब, हाँ सिगरेट तम्बाकू बहुत महंगा है यहाँ पे, सही है सही है, आइडियाज देते रहेंगे बाकी यार, ये देखिए यहाँ पे ये जो ठेका होता है विन मतलब वाइन मोनोपोली मतलब मोनोपोली है इनकी ना, तो जो भी आपको शराब लेनी है अगर तो 5% से कम है, बियर वगैरह वो तो मिल जाएगा कुछ पर मार्केट से, लेकिन बाकी सब कुछ यहीं पे ही मिलेगा, और ये बंद होता है वीकेंड पे, तो नो दारू ऑन वीकेंड, मंडे से फ्राइडे सुबह 10 से 6 और सैटरडे को 10 से 4 बताओ, यहाँ पे वो नहीं ऐसे करके अरे भाई बोतल दिया यार भाई यहाँ दारू तो बड़ा ही मुश्किल है सीन दारू, ये देखिए ये यहाँ पे बियर पड़ी है लेकिन इसके शटर लगे हैं अलग से क्योंकि इसकी टाइमिंग है अलग से, तो ये जल्दी बंद हो जाता है, बाकी जो मार्केट है उससे जल्दी सेक्शन ये वाला बंद कर देते हैं ताकि इसको आइसोलेट कर सके, हाँ शटर लगे हैं देखो साइड में, तो हाँ दिखा ये नॉर्वेजियन बियर यहाँ का जो सबसे फेमस है हंसा 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 वो वाली प्रफुल वाली ये पड़ रही है अपने को 28 की 28 मतलब कि 3 यूरो प्लस आपको 2 करोड़ ये देने पड़ेंगे पंथ के जो आप रिफंड ले सकते हो इसका, इसको आप रिसाइकिल करोगे तो नहीं तो दो पंथ गए तो अपने को जेब से अभी पड़ेगी ये 2800 दिखा उसके एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी अपने को 30 करोड़ की पड़ेगी अपनी जेब पे, ओ 3 यूरो की अरे यार सैन मिगेल देख लो यार हम जो लेके घूम रहे थे 4 यूरो की दे रहे हैं बहुत महंगा सामान है और इसके ऊपर पंत और देने पड़ेंगे पंत यार एक्चुअली ना मतलब मैंने भी जब मैं आया ना ऑस्लो से ट्रेन लेके मैंने रास्ते में 2 चीज़ें कोई पानी वानी की बोतल ली सुपरमार्केट से पानी की और जूस की बोतल और उसने बिल में ना ऐड कर दिया दो पंथ मैं क्या पता नहीं कोई टैक्स होगा 2 पंथ बताया भाई ने बाद में कि यहाँ पे आप हर चीज़ को डालते हो जाके रिसाइकलिंग मशीन में बाहर देखी हमने मशीन वो तो उसमें जब आप डालते हो तो आपको वो पैसे अच्छा वो पैसे वापस कैसे मिलते हैं कार्ड में आते हैं आपने अब दो स्वीडन के अंदर ना ये पंथ 2 की जगह 1 होता है और डेनमार्क के अंदर पंथ सी अलग टाइप का है तो आप कंट्री मिक्स नहीं कर सकते मैंने जैसे खरीदी है ना मैं क्या करूंगा मेरे भाई जैसे 10 कैन में लेके गया हूँ मैं इकट्ठी कर ली अपने घर के अंदर गैस टाइप पिलाई अपने घर में इकट्ठी कर लिया मैं ग्रोसरी लेने आया हूँ पहले को लेके आऊंगा बाहर मैं उसको पंत करूंगा उसके बदले में कोई वो मिलेगी स्लिप मिलेगी अच्छा। या तो मैं उसको कैश करा सकता हूँ ओके कहाँ से यहीं से स्टोर से जिस स्टोर अच्छा। पे आप पंत करोगे आप उसी स्टोर से कैश करा सकते हो ओके, ओके, या तो मैं उसको मैं कैश करा लूँ अब ऑब्वियसली मैं ग्रोसरी खरीदने आया हूँ मैं क्या करूंगा जब मैं बिल कराने जाऊंगा ना उसको मैं वो दे दूंगा उसके ऊपर बार कोड होता है वो माइनस हो जाएंगे पैसे मेरे बिल से ओके तो पैसे जो आपने दिए हैं आपके पास वापस आ गए हैं बस आप एक सिटीजन अच्छे थे आपने इनको डंप नहीं किया इधर आपने रिसाइकिल किया है तो उसके लिए आपको बस ये है कुछ आपने कमाया नहीं है आपने दिए हैं आपने लेकिन वो भी तरीका है कमाने का बताएंगे आपको आप डस्टबिन से उठा उठा के भी जैसे वो भी अलग तरीका वो बताएंगे बाद में बताएंगे तो घूमते फिरते आ गए हम घर की तरफ जा रहे हैं हमारा घर किस बिल्डिंग में भाई ये वाला भाई 14वें माले पे तो जाके बात करेंगे कि घर का खर्चा कितना है किराया कितना है और ये सब चीजें और गेस करके बताओ बिल्डिंग किस ईयर में बनी होगी हाँ बताना कमेंट्स में किस साल में बनी होगी ये बिल्डिंग तो भाई घर में आ गए भैया ये कब से कर रहा है तू ये क्या खाना बना अरे डोले शोले
भाई मेरे को हो गया यार 15-16 साल हो गया मैंने। अच्छा 11th क्लास में शुरू किया था, बीच में फिर मैंने एक दो कंपटीशन भी किए। और जो जो बंदियां देख रही है उनके लिए तो सिंगल है तू कि नहीं है? डीएम में से इंडिविजुअली पूछो। मतलब नहीं है सिंगल ये, कभी नहीं बोल रहा खुल के। अच्छा तो अभी देखो भाई खाना भी बना रहा, क्या चाहिए बंदियों को? और नहीं खाना भी बना रहा है, बॉडी वॉडी भी है, नॉर्वे में नौकरी करता है, काफी एलिजिबल बैचलर। तो भाई चलो ये मैं सीमा आंटी बाद में बनूंगा, अभी बात करते हैं घर की। तो ये जैसे एक घर है ना भाई ने, इसमें ये रूम ले रखा है, दिखाता हूँ आपको मैं रूम भी एक बार, आज थोड़ी आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। भाई ये देखो ये इसकी कलेक्शन है स्नीकर्स की, और ये बहुत महंगे महंगे जूते हैं यार सारे। चलो तो ये कमरा है ठीक है, बाकी शेयरिंग में है ये फ्लैट। यहाँ पे इसका ओनर रहता है, इसका कमरा है और एक और बंदा रहता है, और भाई इसका रेंट देता है 5,500 करोड़, मतलब कि 50,000 रुपये एक कमरे का। जैसे हम बात कर रहे थे कि यार अगर तनख्वाह उतनी है तो खर्चे भी, ये सस्ता है, ये सस्ता है। और देखो ना ये एक कमरा है बस, और बाथरूम सबका एक है शेयर में इधर ही है। तो लेकिन यहाँ से देखिए नज़ारा तो अच्छा है, लेकिन यार सीन वही है कि 50,000 एक कमरे का किराया है, और ये थोड़ा सा शहर के बाहर है, मतलब बस शहर के बाहर पड़ता है कि म्युनिसिपैलिटी सेम, लेकिन थोड़ा सा सेंटर से, सेंटर तो फिर सेंटर हो गया ना। हाँ दिखाया था अभी सेंटर तो दिखाया था। सेम कमरे का अगर आपको लेना है ये तो एक तो वुडन हाउस होते हैं, क्रिकिंग साउंड आती रहती है, और चूहे होते हैं लकड़ी वाले घर, इससे 1,000 ऊपर लगा लो। जो पुराना घर होगा अगर घटिया घर होगा तो सस्ता भी नहीं रहता, क्योंकि उसके बाथरूम वगैरह ना इतने अच्छे नहीं होते, सारे से रेनोवेट किया हुआ है, इसमें जेट भी है। हाँ भाई जेट लगा रखा है। तो अभी बन रहा है पास्ता। तो भाई ये बताओ ये बिजली का तू कुछ देता है? बिजली का सीन बताता हूँ क्या होता है। जैसे सोसाइटी है पूरी है, इंडिया में सोसाइटी होती है, क्या मेंटेनेंस जाता है, क्या गर्म पानी, दो चीज सी होती है नॉर्वेजियन घर के अंदर में ना, गर्म पानी और पीछे जो रेडिएटर जो लगा हुआ है ना, सर्दियों में रेडिएटर काम आता है। अच्छा उधर लगा है, ओके। गर्म पानी आता है, गर्म पानी का ही गर्म पानी करने के लिए। तो इनके बॉयलर लगे होते हैं पूरी इनकी सोसाइटी के ना, तो इसमें जो अगर आप ओनर होते हो ना घर के फ्लैट के, तो आपको एक हर महीने का टैक्स देना, हर महीने की एक चार्ज देना पड़ता है। उसमें सर्दियों में बर्फ भी हटेगी आपकी और पानी भी आएगा 24 घंटे, वो कुछ लगभग 6,000 करोड़ होता है, वो ओनर देता है जिसका घर होता है। तो उसके अलावा फिर बिल आता है सिर्फ बिजली का, क्योंकि सारे घर में एलईडी लगी हुई है, ये भी एलईडी, मतलब कितनी बिजली लगती है, 600-700 करोड़ आता है बिजली का बिल। लेकिन अगर आपके पास जो लकड़ी है, 600-700 पूरे घर का, तो तेरे को 200 देना पड़ता है, 300 करोड़ लगा लो, मतलब की 2,000 तो बहुत सस्ता हो गया भाई। लेकिन फिर आधे बंदे टाइम घर पे बाहर रहते हैं ना, नौकरी जा रहे हैं, घर बंद ही पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा, बच्चे नहीं है, खाना इतना नहीं बन रहा है, तो उस चीज के लिए। लेकिन जो मेन, अगर आप घर में रह रहे हो, अगर आप एज अ फैमिली रह रहे हो, तो ऑब्वियसली आप इस फ्लैट में अकेले रहोगे, तो आपका लगा लो वो 600 करोड़ जो हम बांट रहे हैं वो आपका अकेले का आ गया, और जो 600 करोड़ जो आपको मेंटेनेंस देनी है वो भी आपको देनी पड़ेगी, प्लस आपको ईएमआई देनी पड़ेगी, 12,000 रुपए उनकी ईएमआई पड़ती है। फ्लैट जो आपको दिख रहा है ये 2 मिलियन करोड़ का आता है, 1,60,00,000 का आता है वाला। तो देख लो आप वहां फिर आगे कान यहाँ से पकड़ो, तो यहाँ से पकड़ो, जेब में आपको पैसे उतने ही बचने एंड ऑफ द डे। तू कितने जाता है भाई, तेरे कितने बचते हैं पैसे? भाई मेरा ये लगा लो, मेरे शौक थोड़े बड़े, मतलब बड़े तो क्या, मतलब मैं हंसता ज्यादा हूँ, मैं ट्रैवल भी करता रहता हूँ, तो हर महीने के मैं कुछ ज्यादा बचा नहीं पाता, क्योंकि मुझे बचाने की जरूरत है नहीं, घर में कुछ मुझे भेजने नहीं है। अच्छा तो वो वाला सीन है, तुम्हारे वाला सीन था भाई, तुमने सोचा शुरू में कि भाई मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, तो तुम निकल पड़े अपना, वही मेरे साथ सीन है कि लायबिलिटी कुछ है नहीं, तो कई बार बच जाते हैं 5,000 करोड़ भी अगर एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा काम करने के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं मेरे को, मेरी छुट्टी है ना आज और मैं फ्लाइट पे जा रहा हूँ, तो लगा लो मेरे को 2 दिन की सैलरी मिलती है मेरे को, एक घंटा फ्लाइट करके आओ, चाहे मैं बर्गन ऑस्लो करके आ जाऊँ, 2 दिन की सैलरी मिलती है, तो वो अच्छी पेमेंट है। मैं हमेशा उसके लिए सोचता हूँ कि अगर छुट्टी में कुछ कर नहीं रहा तो मैं फ्लाइट एक्स्ट्रा कर ली। नहीं मतलब ये बात करें अगर हम, कि कोई बंदा अगर मतलब इंडिया से आया है पैसे कमाने के लिए, तो जो ये गलत कंट्री है। अच्छा अगर आपको पैसे कमाने के लिए जाना है और आपको भाई कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप जहाँ कमा रहे आपको वहीं पे खर्चना, वहीं पे सेटल होना है, तो इससे बेस्ट कंट्री कोई है नहीं। अच्छा लेकिन अगर आपका गोल लिया कि भाई मेरे को सिर्फ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत सारा पैसा कमाना है, तो ये कंट्री गलत है। या तो फिर आप जाओ यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पे भी हाईली पेड जॉब्स है, काफी पैसा मिलता है, वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको खा जाएगी। अच्छा आपको पैसा दिखेगा ना, अब ये तो है नहीं यार मैं पैसा कमा रहा हूँ 40,000-50,000 करोड़ और मैं खा कुछ भी नहीं रहा हूँ, कि मैं मैगी खा के काम चला रहा हूँ, तो जिंदगी जी के फायदा क्या है फिर ऐसी।
तो घुमा फिर आगे बात हुई है कि अच्छा पैसा कमाओगे यहाँ पे, अच्छी लाइफ जियोगे, यहाँ पे रहना ही रहना पड़ेगा आपको। ओके, घर भेजने वाला वो हिसाब वो कम ही बनता है, वो हिसाब में दिखाया था सेंटर में आपको लोग दिखते हैं। फिर वो आप फिर फायदा क्या बाहर आए क्यों, पर्पस क्या बाहर आने का, मेरा पर्पस बाहर आने का ये नहीं था, मौज लेनी है और भाई ठीक है अच्छी लाइफ जीनी है, जो इंडिया में भी अच्छी जी रहे थे अपन, तो घर पे भी लाइबिलिटी थी नहीं, तो फिर घूम फिर के वही वाली बात है, अगर आपको पैसे भेजने हैं भाई तो यहाँ मत आओ, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रगल है, आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लैंग्वेज तो रह गया था बीच में, तूने क्या सीखी लैंग्वेज? लैंग्वेज मैंने इसे स्कूल से सीखी थी, लैंग्वेज स्कूल से, तो मेरे को फ्री पड़ी थी एक्चुअल में, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ की सिटीजन थी, तो अगर आप कोई भी किसी सिटीजन के थ्रू अगर यहाँ पर आते हो आप, तो आपको फ्री में गवर्नमेंट सिखाती है वो। लेकिन अगर आप स्किल्ड वर्क वीजे पे आ रहे हो, डिपेंडेंट वीजे पे आ रहे हो, स्किल्ड वर्क वीजे के थ्रू, अगर मान लो मेरे पास स्किल्ड वर्क वीजा है, मेरी वाइफ अगर आना चाह रही है, तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, और वो लगभग कोर्स पड़ता है 1.5 से 2 लाख रुपए का। अच्छा, वो भी लेकिन सीखना आसान है, मेरे लिए आसान था, लेकिन लोगों को मुश्किल लगती है। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो ना, तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको अपनी वोकैबुलरी बना लेनी है नॉर्वेजियन की, सेंटेंस फ्रेम करो अपने दिमाग में इंग्लिश में, और उसको 90% वो काम करेगा ट्रांसलेशन के तौर पे। ओके ओके, और आपको उतनी सीखनी है कि आप बोल सको मेरा नाम ये है और आप कैसे कर रहे हो, अगर कहीं स्टोर वगैरह में काम कर रहे हो, तो आपको कोई स्पीकर नहीं बनना है कि आप पॉलिटिशियन बनना, आपको भी स्पीच देनी है। और यार ये मुझे लग रहा है लोग बड़ा पूछेंगे बाद में कि भाई घूम फिर के बात आएगी कि बंदी कहाँ से पकड़ी तूने। भाई ये भी कला है, क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं बताया था ना, बंदी मैंने इसलिए नहीं पकड़ी थी कि मेरे को बाहर जाना है, क्योंकि मैं चार साल मैं उससे यहाँ आने से पहले 4 साल साथ था, तो अगर मेरे को आना तो मैं पहले भी आ जाता, मैं घूमा फिरा, फिर एक टाइम पे लगता है कि ठीक है भाई पार्टनर अच्छा है, कंपेनशिप अच्छी बन रही है, तो बंदा डिसाइड करता है मेरे को कोई जरूरत क्या भी आने की, भाई मैं मेरी सरकारी नौकरी लगी है वहाँ, आज भी मैं किसी को बताता हूँ तो लोग मेरे को पागल ही बोलते हैं कि सरकारी नौकरी छोड़ के कौन आता है भाई इंडिया से यादव जी, तो वो सीन है, तो बस ये तरीका था आने का, बाकी तरीके आपको मैंने सारे बता दिए, 2-3 तरीके आने के, उसके अलावा कोई तरीका है नहीं आने का, या डोंकी वोंकी लगा के यहाँ मेरे को लगता नहीं यहाँ पा सकते हो, पर आओगे सरवाइव नहीं कर पाओगे, हाँ, महंगा है काफी। चलिए अभी खाना बन रहा है, खाना खा के फिर हम निकलेंगे शाम को कहीं बाहर, रात को थोड़ा सा देखते हैं, पार्टी वार्टी कुछ करते हैं, नहीं करी तो भी बता देंगे, करेंगे तो बता देंगे, और वीडियो तो अभी कल मैं यहीं पे हूँ, कुछ और दिमाग में आएगा तो वो भी बात कर लेंगे, कुछ और दिमाग में आया मेरे तो, अभी तो थोड़ी सी नींद मैं निकाल रहा हूँ अपनी, एनर्जी ड्रिंक पी के और पास्ता खाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी आएगी और निकलेंगे रात को दोबारा फिर से। ब्रोकली बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना तो ऐसे नहीं बनती बॉडी, हेल्दी खाना खाना पड़ता है, बनाना पड़ता है खाना पड़ता है। बहुत सही यार, मेरे को भाई कल से खिला रहा है खाने बना के ना, वंस वन ने पंजाबी वर्ड है मतलब भांति भांति के। हाँ।